अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने देखा है, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के ऊपर। मैंने एक से दो दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अभी सीज़न आने में तकरीबन 1.5 से 2 माह रह गए हैं, तो अभी से आप अपने परिंदों को तैयार करना स्टार्ट कर दें। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ या दो चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आप अगर अभी से अपने बर्ड्स को देना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह उनकी हेल्थ भी फिट रहेगी, और हाँ अगर बच्चे निकले होंगे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे और अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की परिंदों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलें जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको इधर से प्लॉट का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें यह है कि आपने एक दो दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर ये कुछ भी नहीं था ऐसे, ठीक है, मतलब ये जगह को उखाड़ा नहीं हुआ था। तो अभी हमने इसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है, हमने परसों जगह को सारी को उखाड़ा था, अभी क्या है कि इसको छोड़ दिया हुआ है। दोबारा से एक दो दफ़ा ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हम प्लांट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक अमरूद का पौधा लगा दिया हुआ है और नीचे एक जैस्मिन का प्लांट लगा दिया हुआ है जो कि माशाल्लाह अच्छे से ग्रो कर रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने जो कॉकटेल रखे हुए हैं उनके पास माशाल्लाह ब्रीड वगैरह आई हुई थी, उनके अभी बच्चे जो हैं सेल्फ हो रहे हैं। उसमें से एक बच्चे को कोई इशू बना है, वो ये है कि उसके पाँव को कोई मसला बन गया, तो उसको मैं उठा के घर ले गया हूँ। अब उसको मैं वहाँ पर हैंड फीड कर रहा हूँ और वहाँ पर वो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताऊँ, यहाँ पर मेरे पास है ये मूँगी की दाल, ठीक है, ये दाल मूँग है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बाउल है, इसको मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैं इधर आया था तो सोचा आपके लिए ये छोटी सी वीडियो बना दूँ, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। ये दाल मूँग है मेरे पास, ये मैं इनको कभी कभी इस्तेमाल करवा देता होता हूँ, खासकर जब इनके बच्चे निकले हों या फिर इनकी कोई हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हुई हुई हो। वैसे भी आप इनको दे सकते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन आप इनको जो है ना दाल दे सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, इस तरह से आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, ठीक है, ताकि पानी के अंदर ये अच्छे से कह लें कि नीचे बैठ जाए इस तरह से। और बाकी ये जो छोटे छोटे ये मच्छर से हैं इनको निकाल दीजिएगा, ठीक है, और इसको आपने रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने सुबह डालने हैं तो अगर आप रात को रख देंगे तो ये बिल्कुल फिट है। रात के टाइम आप दालें लें, उनको आप पानी में भिगोएं, सुबह उठ के अपने परिंदों को फजर टाइम जो है ना वो डाल दें, या फिर कह लें कि थोड़ी सी जब रोशनी स्टार्ट हो जाती है, दिन निकलने लग जाता है, तब आप इस्तेमाल करवा दें, आपके परिंदे खा लेंगे और यकीन करें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें पानी वगैरह अच्छे से मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये जो ऊपर ये गंद वगैरह है इसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और पानी इसके अंदर मज़ीद और डाल देंगे और इसको रख देंगे। अभी मैं बेसिकली इधर ही आया था तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। अच्छा, ये मेरे पास है दाल मूँग, ठीक है, अगर आपके पास है ना चने हैं, काले चने मिल जाते हैं बाज़ार से, अगर आपके पास वो हैं जो बारीक होते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। आपने वो भी इसी तरह करना है कि रात टाइम आपने भिगो के रख देना है और सुबह टाइम आपने इनको ऑफर करना है। उसके बाद चने की दाल होती है, आप वो भी इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं वो, या आप ऐसे कर सकते हैं कि तीनों चीज़ें, दाल मूँग हो गई, ठीक है, इसके बाद चने की दाल होगी और चना जो होता है, वो तीनों चीज़ों को आप पानी के अंदर भिगो के रखें रात टाइम, सुबह के टाइम आप इनको डालें। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने परिंदे। तो ये मेरी कॉकटेल की छोटी सी कॉलोनी है, इसके अंदर कुछ पेयर्स हैं, कुछ लगे हुए हैं, कुछ नहीं हैं लगे हुए, कुछ मुझे लग रहा है कि दोबारा माशाल्लाह ब्रीड पे आ गए हुए हैं, सही है। तो आप इनको डाल सकते हैं, सुबह के टाइम रख दें, ये अच्छे से खाते हैं, ये नहीं कि ये दाल वगैरह नहीं खाते, बाकी हाँ चीज़ें नहीं खाते, जैसे कि फ्रूट हो गया इस तरह की चीज़ें ये नहीं खाते, लेकिन ये दालें होती हैं, ये छोटे मोटे पत्ते होते हैं जैसे पालक का हो गया, धनिया, पुदीना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ये खाते हैं, और आपको ये चीज़ें डालनी चाहिए। और अगर आपके पास ब्रीड नहीं आई है अभी तक, या फिर कह लें कि आपका परिंदा अभी अडल्ट हो चुका है और आप ब्रीड के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो अभी से आप इस तरह की चीज़ें डालते जाएं। जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको बताता जाता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा होता हूँ आजकल और लॉन्ग वीडियो भी डाल रहा होता हूँ, मेक श्योर कि आप वो वीडियो मिस ना किया करें और उनको फुल देखा करें, और जो मैं उसमें चीज़ बताता हूँ आप वो उनको डाला करें, और इंशाल्लाह आपके पास भी आपका परिंदा ब्रीड कर देगा। और यहाँ पर हमारे हैं जी रिंगनेक, रिंगनेक का भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिन देख लूँ, उसके बाद मैं जो है ना अपना रिंगनेक का पेयर वो ऊपर ही शिफ्ट करूँ, क्योंकि
सिंगल जो केज होता है उसके अंदर आपका परिंदा बहुत अच्छी ब्रीड करता है, बनिस्बत ये कि आप उसको बहुत बड़ी जगह दे दें। मैंने ये गलती करके देखी है, तो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। मेरा तो हो चुका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर मुझ पर यकीन करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, आपने केज बाई केज अपने परिंदों को लगाना। बाकी यहाँ की यार कंडीशन कुछ इस तरह से है कि अभी कोई सब्जी कह लें कि तैयार नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ बैंगन लगे हुए हैं तो ये इनको इतने माफिक नहीं है। वहाँ पे हमारा जो है पुदीना लगा हुआ है तो वो हम इनको दे सकते हैं। अभी मज़ीद इंशाल्लाह कुछ चंद दिनों के अंदर हम दोबारा से यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, तब इनके लिए मज़ीद चीज़ें बढ़ जाएंगी, तब हम इनको रेगुलर डालते रहेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँ कि मैंने जो हमारे कबूतर थे वो रिलीज़ कर दिए हुए हैं, मतलब उनको मैंने आज़ाद कर दिया है। ये देखें केज बिल्कुल फ्री है, खाली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस केज को मैं ना खाली करके ना यहाँ पे भी कोई चीज़ करूँ। उनमें से मैंने तीन या चार हमारे थे कबूतर उनका उड़ा दिया था, एक पेयर रह गया था तो उनको इधर रखा है, और ये भी किसी ने मांग लिया हुआ है, हम उनको दे देंगे। सही है, हमारे पास अभी कोई कबूतर नहीं रह जाएगा। अगर कोई विल किया तो एक आध कोई अच्छी नस्ल का पेयर जो है वो ला के रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। कबूतर जो होते हैं ना वो भी घर में अच्छे होते हैं। सुनने में आया है कि ये जो होता है ना जादू काला इलम, उससे जो है बचाव करते हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई इस तरह का सीन है तो आप भी जो है ना कबूतर रखें, इससे जो है ना वो काला इलम वगैरह या जादू वगैरह नहीं होता। तो बाकी ये चीज़ें मैंने आपके साथ आज शेयर करनी थी कि अगर आपने अभी तक परिंदों पर वर्क करना नहीं शुरू किया तो उस पर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे आगे सीज़न जो है वो आता जा रहा है, और जैसे ही सीज़न आएगा आपने बस ये करना है कि बॉक्स लगाने, फिर आपने ब्रीड जो है ना उसको एंजॉय करना है। ये ना हो कि आप मैं जो चीज़ें बताता हूँ आप वो ना करें और उसके बाद आपको जो है वो ब्रीड ना मिले। मेक श्योर आप सब कुछ फॉलो करें। बाकी यहाँ पे देख लें कुछ ये सीन है, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों में कुछ इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अभी ये जो मैंने भिगोई है ना, इसको मैं या तो इधर ही रख दूंगा ऊपर से ढक के, या मैं इसको ले जाऊंगा घर और वहाँ पे रखूंगा, और जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगी तब मैं अपने कॉकटेल और रिंगनेक को डालूंगा, और जो वो घर जो बच्चा है वो अभी तक फीड पे ही है तो उसको मैं फीड ही खिलाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, फिर भी मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।